ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर मीठा वावा, हम बच्चों को मीठा बनाने के लिए, क्योंकि हम सब तीखे कड़वे खट्टे हो गए हैं, सूखे हो गए हैं, तो बाबा मीठे बनाने के लिए बाबा आए हैं और कह रहे हैं सच्ची सच्ची पाठशाला में तुम बैठे हो, क्योंकि ये सत्संग है। तुम्हें सत बाप का संग मिला है, क्योंकि हम मीठे क्यों नहीं बने थे, सूखे दुखे क्यों बने थे, क्योंकि हमें कुसंग मिला था, लेकिन अभी सत्संग मिला है जो पार लगा देता है। क्योंकि हमारी समझ में अंतर आ गया। मनुष्य समझते हैं ये जो दुख का खेल है, सुख का खेल है, सुख दुख सब परमात्मा ही देते हैं। नहीं, परमात्मा सिर्फ सुख देते हैं, और वो भी कर्म के हिसाब से खेल है। बाप किसी को भी दुख नहीं देते हैं, वो तो सुख का रास्ता बताते हैं, क्योंकि भगवान है सुख का सागर। बाबा कहते हैं बच्चे मैंने कभी किसी को दुख नहीं दिया, जो भी दुख पाते हो आप ये तुम्हारा कर्म का फल है, लेकिन मैं उस कर्मों से निकालने के लिए, विकर्मों से निकालने के लिए सुख का रास्ता बताता हूं, जिसके कारण तुम फिर सुख पाते हो, मतलब सत्युग में जाते हो, मीठे बन जाते हो। तो ये है कलयुग की दुनिया, हमें जाना है सत्युग की पुण्य की दुनिया में। ये हम बोलते थे कि भगवान आओ, मेरे बाबा आओ, आकर हमें कलयुग से सत्युग में ले चलो पुण्य की दुनिया में। अब बाबा आए हैं, इसलिए बाबा कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं ऐसा कोई नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं रचयिता मालिक अर्थात बेहद के बाप और उनकी बेहद की रचना, आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं वो लोग, क्योंकि 2500 साल यही रिसर्च करते रहे, जंगलों में गुफाओं में भटकते भटकते कितनी सारी बातें की, लेकिन सत्य परिचय तो सत्य ज्ञान मिला नहीं। अगर मिला होता तो दुनिया स्वर्ग बन जाती, लेकिन मिला नहीं तो कैसे होगा, तो दुख की दुनिया बन गई। बाबा कहते हैं ब्रह्म महत्व तो जहां सूर्य चांद नहीं होते हैं ना सूक्ष्म वतन, बाकी इस मांडवे में तो बिजलियां आदि सब चाहिए ना, तो इस मांडवे को बिजली मिलती है रात को चांद सितारे, दिन में सूर्य, यह है बत्तियां। इन बत्तियों को होते हुए अंधेरा कहा जाता है, रात को तो फिर भी बत्ती जलानी पड़ती है। तो सत्युग क्या हो गया, सत्युग हो गया दिन मना उजाला, और भक्ति मार्ग क्या हो गया, रात मतलब अंधेरा, दुख की दुनिया। यह भी समझ की बात है, यह हमें समझना चाहिए। दुनिया लोग कह देते हैं भाई यही स्वर्ग है यही नरक है, लेकिन हमें समझना है। देखो मकान भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, कहां सत्युग में। यह है बेहद का घर, मंडवा अथवा स्टेज, इनको कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। तो हम कहां हैं, अभी कर्म क्षेत्र पे हैं, तो कर्म जरूर करना है, कर्म छोड़ के कोई भी तपस्वी नहीं बन सकता है। अगर हमें तपस्या करना है तो कर्म योगी बनना है, कर्म करते हुए, क्योंकि शरीर के अंदर जब तक आत्मा है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। बाबा कहते हैं वास्तव में ये क्या है, गीता पाठशाला है। पाठशाला में कभी बूढ़े आदि पढ़ते हैं क्या, यहां तो बूढ़े जवान आदि सब पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं ये वंडरफुल वाला है पाठशाला जो है, वेदों की पाठशाला ये नहीं कहेंगे, वहां कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है। हम इतना वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, इनसे क्या बनेंगे, आज तक कुछ बने, सत्संग बहुत किया है, लेकिन एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं सत्संग कहने से लज्जा आती है, सत तो एक बाप ही है, अब अगर हम उनको कहते हैं सत्संग तो क्या आता है, लज्जा आती है। बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं नहीं, सत्संग तारे कुसंग बोरे, कुसंग कलयुग मनुष्यों का, सत्संग एक बाप है। तो ये हमें समझना है और सत्संग करना है। जितना हम सत्संग करेंगे, मुरली सुनेंगे, बाबा को याद करेंगे, ये है सत्संग, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, ऊंच बन जाएंगे। बाबा कहते हैं शास्त्र आदि पढ़कर फिर दुकान खोल बैठते हैं,
पैसा कमाते हैं, ग्रंथ थोड़ा सीख कर गुरुद्वारा खोल बैठ जाते हैं। गुरुद्वारे भी कितने खोलते हैं, गुरु के द्वारा अर्थात घर कहेंगे ना, फाटक खुला है जहां जाकर शास्त्र आदि पढ़ते हैं। तुम्हारा गुरुद्वारा है मुक्ति और जीवन मुक्ति सतगुरु के द्वार। सतगुरु का नाम क्या है, अकाल मूर्त। सतगुरु को अकाल मूर्त कहते हैं, वो आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का द्वार खोलते हैं। अकाल मूर्त है ना बाबा, तो बाबा कहते हैं आत्मा शरीर छोड़कर भाग जाती है। मनुष्य समझते हैं थोड़ी ये पुराना शरीर छोड़कर फिर जाके दूसरे लेंगे। आत्मा है बिंदी, आत्मा को कोई काल खा नहीं सकता। आत्मा शरीर छोड़ी और चली गई, मतलब भाग गई। लेकिन मनुष्य थोड़ी समझते हैं, अगर समझ जाते कि आत्मा शरीर छोड़ा दूसरे जाके ले गई तो रोएंगे नहीं। लेकिन मनुष्य क्या समझते हैं, आत्मा मर गई, आज शरीर मर गया या ये मनुष्य मर गया, तो फिर रोना शुरू करते हैं। सत्युग में ऐसा नहीं होता है, सत्युग में है नष्ट मोह। शरीर छोड़ा खुशी खुशी से, देखने वाले भी खुशी खुशी से, कोई रोना धोना शुरू नहीं हुआ। तो बाबा कहते हैं ये सब हमें अभी से सत्युग में जाने के लिए अभ्यास करना है। तो हमें अपार खुशी में रहना है, चेहरे पे मुस्कान रहनी चाहिए। जितना हम खुश रहेंगे उतना हम खुशी की दुनिया को आह्वान कर सकते हैं। तो हमें समझना है कि मैं निमित्त आत्मा हूं, इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजा रहा हूं। बाबा कहते हैं अवलाओं पर कितना अत्याचार ड्रामा में पार्टी है, ऐसा पाठ क्यों बजाया, यह प्रश्न ही नहीं उठता। यह तो अनादि ड्रामा बना हुआ है। तो बाबा कहते हैं विश्व की बादशाही लेते हो तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। ड्रामा में अपदाएं खिटपिट आदि कितनी है, अबलाओं पर अत्याचार भी लिखा हुआ है, रक्त की नदियां बहेगी, कहां भी सेफ्टी नहीं रहेगी। अभी तो सुबह आदि सेंटर जाते हो, बाबा कहते हैं अभी सेंटर जाते हो, आगे चल के सेंटर पर भी जाना मुश्किल हो जाएगा, यह भी समय आएगा। और देखो प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं कि अभी क्या ड्रामा में हो रहा है। तो बाबा भविष्य की बात भी सब कह दिए थे जो प्रैक्टिकल में अभी हो रहा है। इसलिए हमें समझना है बुद्धि से, क्योंकि दुनिया के आत्माएं कितने समझते हैं वो बात अलग है, लेकिन हमें समझ के कर्म करना है। क्योंकि ये संगम युग पुरुषोत्तम युग है, हमें नंबर वन आना है, फिर सतयुग में जाएंगे, पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण की दुनिया में जाएंगे, हम भी बनेंगे, और फिर धीरे धीरे कलयुग के अंत में फिर बाबा ज्ञान देंगे। ये 5000 वर्ष चक्र ऐसे रिपीट होता रहता है। तो बाबा कहते हैं ये बुद्धि में रखो, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, हम बाबा को ही याद करेंगे और किसी को नहीं। हाथों से भले कर्म करते रहो लेकिन याद बाबा को करना है। बाबा धारणाओं में कहते हैं सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों से पास होना है। अनेक अपदाएं आएगी, अत्याचार होंगे, ऐसे समय पर सहन करते बाप की याद में रहना है, सच्ची कमाई करना है। जरा भी वो मन में वो भाव नहीं आना चाहिए, बदले की भावना या नफरत की भावना। विशाल बुद्धिवन इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। यह कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसलिए प्रश्न उठ नहीं सकता। बाप जो अच्छी मत देते हैं उस पर चलते रहना है। बाबा वरदान में दे रहे हैं, बाप समान वरदानी बन हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। कितना सुंदर सोमन टाइटल बाबा ने दिया, मास्टर दिलाराम भव। क्योंकि वरदानी मूर्त बच्चे वो हैं जो किसी की कमजोरी नहीं देखते हैं, सबके ऊपर रहम करना है, रहम दिल बनते हैं। जैसे बाबा भी किसी की कमजोरी नहीं देखते हैं, ऐसे हम बच्चों को भी किसी की कमजोरी दिल में धारण नहीं करना है। सबको आराम देने वाले हम मास्टर दिलाराम बच्चे हैं। साथी हो या प्रजा हो उनका गुणगान करना है, सभी के अंदर यही आशीर्वाद निकलती रहे, सदा स्नेही सदा सहयोगी। बाबा स्लोगन में कह रहे हैं संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वो है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। तो आज की मुरली के अनुसार हम सोमान लेंगे, बाबा ने भी कहा है उसी सोमान को हम लेंगे। मैं मास्टर दिलाराम आत्मा हूं, मैं मास्टर दिलाराम आत्मा हूं। इसी के साथ मुरली को और गहरा चिंतन करेंगे और 24 घंटा अनुभव करेंगे मेरे भाग्य विधाता दिलाराम बाबा
मेरे मस्तक के ऊपर है, निरंतर मुझे शक्तियां मेरे ऊपर बरसा रहे हैं, मैं आत्मा पावन बन रही हूं। मुस्कुराते रहें, पुरुषार्थ करते रहें, आगे बढ़ते रहें। ओम शांति, ओम शांति।